हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का कैसे प्राप्त करोगे का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो बेटे, ये क्लास 12th का कैसे प्राप्त करोगे का वीडियो नंबर फर्स्ट है, और इससे पहले आपको 12th क्लास का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कुछ समय में आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप एनसीईआरटी का क्लास 12th का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, एक एक यूनिट को पढ़ सकते हो, और बेटा हर एक उदाहरण, हर एक पाठ्य निहित प्रश्न और एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, आज हमें पढ़ना है कैसे प्राप्त करोगे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक। ये तो हमारा क्वेश्चन है ही कि कैसे प्राप्त करोगे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक, पर इसी के साथ साथ हम अपने रासायनिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, कैसे प्राप्त करोगे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनिया से नाइट्रोजन। कैसे प्राप्त करोगे अमोनिया से नाइट्रोजन? तो यदि हमें अमोनिया से नाइट्रोजन प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं? देखो, ये है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड और इसके ऊपर हमने रिएक्शन कराया अमोनिया का। ये हमने अमोनिया का रिएक्शन कराया तो क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है कॉपर। कॉपर के साथ तीन अणु जल के और नाइट्रोजन गैस। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे अमोनिया से नाइट्रोजन गैस, तो आपको ये रिएक्शन लिखकर आनी है, और आपको ये रिएक्शन पढ़ाई गई थी नाइट्रोजन बनाने की विधियों में। ठीक है बेटे? आज हमें जो कैसे प्राप्त करोगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं वे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, अर्थात पी ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित हैं। तो पी ब्लॉक तत्वों के कैसे प्राप्त करोगे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये अमोनिया से नाइट्रोजन हमने बनाया है, तो अमोनिया से नाइट्रोजन बनाने के लिए आप नाइट्रोजन बनाने की विधि का समीकरण लिखोगे, नंबर दो। और आपको इस बात का भी पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी पी ब्लॉक एलिमेंट के जो समीकरण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इनमें समझने का काम बहुत कम होता है, होता तो है पर बहुत कम। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बनिक रसायन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें आप आसानी से समझ लेते हो और उन्हें आप प्रैक्टिस से बहुत अच्छा बना सकते हो, याद रख सकते हो, और अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से आप उसका आंसर भी दे सकते हो। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या यूं कह दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें थोड़ा सा आपको रटना भी पड़ता है। नंबर दो पे हम करेंगे फास्फोरस से ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस से ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड हमें बनाना है, फॉस्फोरस से ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरस है, इसका रिएक्शन हम कराएंगे HNO3 के साथ। जब हम फॉस्फोरस का रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं और यहाँ उत्प्रेरक लेते हैं हम I2, I2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनता है H3PO4, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 बनता है, साथ में NO2 गैस भी बनती है और जल भी बनता है। ठीक
ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। नंबर 3, ये सब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें तो बिल्कुल पक्का करके ही जाना है। नंबर 3, फास्फोरस से फास्फीन गैस, फास्फोरस से फास्फीन गैस कैसे प्राप्त करोगे? फास्फोरस से फास्फीन गैस, तो फास्फोरस से फास्फीन गैस यदि आपको प्राप्त करनी है तो फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि आप लिख दो। ये तो है हमारा फास्फोरस, और इसके ऊपर रिएक्शन कराया हमने NaOH का। किसका रिएक्शन कराया बेटे? NaOH का, और जलीय NaOH है तो यहाँ लिख देते हैं 3H2O। और एक चीज ध्यान रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रिय वातावरण होना चाहिए जहां आप इस रिएक्शन को करा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रिय वातावरण। तो ये जो अभिक्रिया होती है अक्रिय वातावरण में होती है, यहां बनता है PH3 और NaH2 PO2 भी बनता है एज ए साइड प्रोडक्ट। ठीक है, Na कितने हैं यहाँ? 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 कर लो, 3 NaH2PO2। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4, अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन, अमोनियम डाइक्रोमेट से क्या बनाना है बेटे? नाइट्रोजन गैस बनानी है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन गैस बनाने का तरीका क्या है? ये हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट है, NH4 का होल ट्वाइस, ये तो हो गया अमोनियम। और डाइक्रोमेट मैंने आपको सिखाया था Cr2O7, तो आप अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म कर दो। यदि आप अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म कर दोगे तो नाइट्रोजन गैस आपको मिल जाएगी। ये मिली है कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस, और इसी के साथ जल भी प्राप्त होगा, प्लस इसी के साथ Cr2O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी प्राप्त होगा। तो ये है अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन बनाने का तरीका। आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड से मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड से मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड से मेटा फॉस्फोरिक एसिड, बहुत आसान है। ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, और आप इसे गर्म कर दो। जब आप इसे गर्म करोगे तो एक तो बनेगा HPO3, ये बन गया आपका HPO3 यानी मेटा फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में क्या बनेगा? H2O। देखो 3 एस थे ना, एक और दो, ये रहे 3H, फास्फोरस एक था, एक ही है, ऑक्सीजन 4 थे, 3 और 1 4, तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड से मेटा फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है यदि आप ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड को गर्म करते हो। आते हैं नंबर 6 पर, सोडियम फास्फाइड से फास्फीन, सोडियम, हिंदी में लिख लिया करो या इंग्लिश में, एक ही बात है, सोडियम फॉस्फाइड से क्या बनाना है? फॉस्फीन गैस का फार्मूला तो पता है आपको, PH3। देखो ये सोडियम फॉस्फाइड है, Na3P, इसका रिएक्शन हमने जल के साथ कराया, और जब जल के साथ इसका रिएक्शन हम कराएंगे तो फॉस्फीन गैस बन जाएगी PH3, और इसी के साथ साथ बनेंगे 3NaOH।
इस तरीके से होता है ये रिएक्शन। यदि आपको सोडियम फॉस्फाइड से फॉस्फीन बनाना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चंस देख रहे बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 7, कैसे प्राप्त करोगे सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल? कैसे प्राप्त करोगे सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल? बहुत आसान है। देखो, ये सल्फर है और हमने इसे घोल दिया है पानी में और प्रवाहित कर दी है ओजोन गैस। ठीक है। जब हम ओजोन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे तो उन रासायनिक गुणों में एक गुण पढ़ा था आक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो आक्सीकारक गुण में हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था, आपके याद होगा। तो यहाँ क्या बनेगा? H2SO4, H2SO4 बनेगा। और H2SO4 बनने के साथ साथ ये ओजोन गैस बदल जाएगी ऑक्सीजन गैस में। किसमें बदल जाएगी? ऑक्सीजन में। तो इस तरीके से हम बनाते हैं सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जरूर आना चाहिए आपको। और नंबर 8, नंबर 8 पर एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करोगे विरंजक चूर्ण से क्लोरीन? विरंजक चूर्ण तो आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। विरंजक चूर्ण से क्लोरीन, भाई विरंजक चूर्ण से हमें क्लोरीन प्राप्त होता है, पक्की बात है। और आप कई तरीके से प्राप्त कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। विरंजक चूर्ण से क्लोरीन, देखो ये विरंजक चूर्ण है CaOCl2, ये है विरंजक चूर्ण। इसका रिएक्शन आप एसिटिक एसिड के साथ करा दो। चलो ऐसे लिखता हूं मैं, CH3COOH, एसिटिक एसिड के 2 अणु लेते हैं, ये एसिटिक एसिड है। जब आप ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन, विरंजक चूर्ण का रिएक्शन आप कराओगे एसिटिक एसिड के साथ, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो CH3COO है ना, यहां से यहां तक देखो CH3COO, और ये भी CH3COO, ये इस कैल्शियम के साथ निकलेंगे, यानी कि कैल्शियम एसीटेट बनेगा। हम लिख सकते हैं CH3COO का होल ट्वाइस CA। एक तो बनेगा बेटे कैल्शियम एसीटेट, और एक देखो ध्यान से यहाँ क्या बचा है, H H और ये O, ये क्या बनेगा? H2O जल का अणु बनेगा। अब क्या बचा है हमारे पास? Cl2 ही तो बचा है, ये बचा है Cl2, साथ में निकल जाएगी Cl2 गैस। तो ब्लीचिंग पाउडर से Cl2 बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा भी आप किसी दूसरे एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी Cl2 गैस बन जाएगी। ठीक है। नंबर 9 देखते हैं क्या है। नंबर 9, सल्फर ट्राइऑक्साइड से ओलियम। सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है SO3, SO3 से हमें बनाना है ओलियम। ओलियम का तो नाम सुना है, जब सल्फ्यूरिक एसिड हम बना रहे थे तो ओलियम भी हमने वहां बनाया था। तो SO3 से यदि हमें ओलियम बनाना है, तो आप SO3 का रिएक्शन वहां करा रहे थे H2SO4 से। यदि सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल दोगे तो क्या बनेगा? देखो H कितने हैं? 2 हैं, H2। S कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 3 7, ये होता है ओलियम। H2S2O7 को हम कहते हैं ओलियम। तो SO3 से ओलियम बनाने का ये तरीका है। अब आते हैं हम नंबर 10 पर। नंबर 10, फेरस आयन से फेरिक आयन। देखो फेरस आयन से, फेरस आयन से फेरिक आयन हमें बनाना है। फेरस आयन से फेरिक आयन, जैसे फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट। ठीक है। तो फेरस आयन से फेरिक आयन यदि आ गया तो भी क्वेश्चन को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, और यदि फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट आया तो भी इसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और ये रिएक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी,
जब आप रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की दो विधियां पढ़ रहे थे, नंबर एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि और नंबर दो ऑक्सीकरण संख्या विधि, तो दोनों विधियों में से जब आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि पढ़ रहे थे तो आपने इस समीकरण को पढ़ा था, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, ये क्वेश्चन बार बार आता है वहां उस चैप्टर में, प्लस 6Fe2 पॉजिटिव इज इक्वल टू, देखो फेरस आयन Fe डबल पॉजिटिव को ही तो कहते हैं फेरस आयन, तो यहां बनता है 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस साथ में बनता है 7H2O, 7H2O और 6Fe ट्रिपल पॉजिटिव। तो देखो Fe डबल पॉजिटिव को ट्रिपल पॉजिटिव में बदलने का ये तरीका है और ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसे थोड़ा सही करके लिखूं। सिक्स एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव, ये आपको याद रखनी चाहिए समीकरण, ध्यान रखना बिल्कुल एकदम। नंबर 11 पे आते हैं, चलो नंबर 11। नंबर 11 है कॉपर सल्फेट से कॉपर फॉस्फाइड, कॉपर सल्फेट से बनाना है कॉपर, कॉपर फॉस्फाइड हमें बनाना है, कॉपर सल्फेट से कॉपर फॉस्फाइड। ये कॉपर सल्फेट है, ये है बेटे कॉपर सल्फेट, इसके ऊपर आप फॉस्फीन का रिएक्शन करा दो। जब आप फॉस्फीन का रिएक्शन इसके ऊपर कराओगे तो फॉस्फीन गैस के रिएक्शन से बन जाएगा आपका कॉपर फॉस्फाइड, ठीक है? Cu3P2 ये बन गया कॉपर फॉस्फाइड, और इसी के साथ साथ बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड 3H2SO4, ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है? अब आते हैं नंबर 12 पर। नंबर 12, ये जो बेटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या पी ब्लॉक के रिएक्शंस होते हैं ना, इन्हें हमें लिख लिख कर याद करना होता है। कुछ रिएक्शंस हैं जो समझ में आ जाते हैं कि हाँ ऐसे होगा रिएक्शन, पर जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके याद हो जाएगा। कुछ बच्चे इस पोर्शन में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है इसमें बहुत टेंशन लेते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक ही तो यूनिट है हमारे कोर्स में, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक तत्व। और पी ब्लॉक तत्व या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्तविकता में समझने का कम काम है और रटने का ज्यादा काम होता है इसमें, तो इसलिए एनसीईआरटी ने इसके सिलेबस को लिमिटेड रखा है, कारण है इसका सिलेबस को लिमिटेड रखने का, इसलिए रखा है लिमिटेड, उसमें लिमिट ज्यादा ना बना के थोड़ी लिमिट बनाई है और उसे सिलेबस को कम ही रखा गया है, इसलिए आप उसी हिसाब से चलोगे, एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको चलना चाहिए। जितनी चीज एनसीईआरटी में दी गई है उस चीज को आपको करना है, और वही मैंने कराई है और उसी तरीके से करना है जैसे कराया गया है। बस आप नोट्स बनाओ अपने, पढ़ो समझो नोट्स बनाओ, और यदि आलसी हो बहुत ज्यादा तो नोट्स ना बनाओ, आपको पीडीएफ में सर्व सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकाल लो, उसे पढ़ो और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बैंक आते हैं ना जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उनसे आप जो है एक तरह का रिवीजन कर लो या छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, इतना सफिशियंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। अच्छे का मतलब 70 में से 70, पी ब्लॉक एलिमेंट में जितना भी नंबर आएंगे, जितने भी नंबर का आपके स्टेट बोर्ड में होगा वो पूरे नंबर आ जाएंगे आपको इतना तैयार करने से। अब देखते हैं, चलो नंबर 12, बेरियम एजाइड से बेरियम, बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड से क्या बनाना है बेटे, बेरियम एजाइड से
बेरियम बनाना है। कैसे प्राप्त करोगे बेरियम एजाइड से बेरियम? तो बेरियम एजाइड का फार्मूला होता है Be(n)3 का होल ट्वाइस। आप इस बेरियम एजाइड को गर्म कर दो। एजो ग्रुप तो पता है ना आपको, एजो ग्रुप नाइट्रोजन से ही तो बनता है, एन से। तो यहाँ Be हो जाएगा अलग, बेरियम और 3N2 नाइट्रोजन गैस हो जाएगी अलग। तो बेरियम एजाइड से बेरियम हमने प्राप्त कर लिया है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे में? ठीक है बेटे, नंबर 13 पे हमें पढ़ना है बेटे। नंबर 13 पे हम देखेंगे कैसे प्राप्त करोगे अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल, ठीक है? चलो अगले पेज पे करेंगे इसे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, हमें बनाना है बेटे अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अमोनिया लोगे। ये ले लिया अमोनिया, 4NH3। इसका हम करेंगे वायु द्वारा ऑक्सीकरण, अर्थात प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसे गर्म करेंगे। तो ऐसा करने से, अर्थात अमोनिया का ऑक्सीकरण करने से हमें मिलेगा NO। अमोनिया के ऑक्सीकरण से हमें NO गैस मिल जाएगी और साथ में जल के अणु भी प्राप्त होंगे। अब ये जो NO गैस है, इसका ऑक्सीकरण फिर दोबारा हम करेंगे। NO का यदि हम ऑक्सीकरण करेंगे वायु द्वारा, तो हमें मिलेगी NO2 गैस। क्या मिलेगी बेटे? NO2 गैस। अब ये जो NO2 गैस हमें मिली है, इसे हम पानी में घोल देंगे। कहाँ घोल देंगे? पानी में। तो पानी में घोलने से क्या मिल जाएगा? HNO3। देखो ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी पहले भी, HNO3 और साथ में बनेगा HNO2। HNO2, HNO3 और HNO2 दोनों का मिक्सचर हमें मिलेगा। तो हमें बनाना था अमोनिया से नाइट्रिक एसिड। अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाने का ये तरीका है। आते हैं नंबर 14 पर। नंबर 14 है नाइट्रोजन से अमोनिया। कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोजन से अमोनिया? बहुत आसान है बेटे। अमोनिया बनाने की हैबर विधि तो आपने पढ़ी है। हैबर विधि क्या है? N2+3H2 रिवर्सेबल 2NH3। यही तो है अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो इस विधि द्वारा नाइट्रोजन से हम क्या प्राप्त करते हैं? अमोनिया। तो कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोजन से अमोनिया, यदि क्वेश्चन आता है तो आपको हैबर विधि लिखनी है। आते हैं नंबर 15 पर। कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड, देखो 2NO2+O2, 2NO2+O2 ऑक्सीजन के साथ यदि आप रिएक्शन करोगे, तो इसमें बेटे H तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है। तो आप एक काम करो, इसका रिएक्शन H2O के साथ करो। यदि आप NO2 का रिएक्शन H2O के साथ करोगे, तो आपको क्या क्या मिलेगा? ये देखो, NO2 का रिएक्शन H2O के साथ करा, तो एक तो मिलेगा HNO3 और एक मिलेगा HNO2। अब ये जो हमारे पास HNO2 है, ये टूट जाएगा गर्म करने पर HNO3 में, HNO3 में प्लस साथ में मिलेगी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस।
नाइट्रिक ऑक्साइड गैस यानी 2NO और इसी के साथ साथ जल भी प्राप्त होगा, तो आप लिख सकते हो +H2O। इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हम बनाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 से नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO गैस। अब आते हैं नंबर 16 पर। फास्फोरस से फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस से चलो फास्फोरिक एसिड ही लिख देते हैं, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस से फास्फोरिक एसिड हमें बनाना है। देखो ये तो है फास्फोरस P4, ये रिएक्शन थोड़ी बड़ी है, ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। +2I2 +8H2O = फास्फोनियम आयोडाइड बनेगा, PH4I, और फास्फोरिक एसिड बनेगा और साथ में बनेगा जल के अणु, ठीक है बेटे। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 8, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हुए? 2 चौक 8 हुए, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गए 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन तो एक्स्ट्रा हो गए बेटे। क्या बनेगा फिर? हाइड्रोजन देखो कितने हैं, हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं। हाइड्रोजन है 8 दूनी 16, और ये 8 दूनी 16 ही तो है, और 2 चौक 8 तो ये रहे और 6 ये रहे, 8 और 6 14 और 2 16, 2 ही H बनेंगे। अब क्या कमी रहेगी? देखो जरा आई देखो कितने हैं, 2 दूनी 4 और इधर कितने हैं 2, तो 2 की कमी है, तो 2HI बनेगा यहाँ बेटे। 2HI क्या बनेगा? 2HI। नंबर 17 देखते हैं क्या है। नंबर 17, नंबर 17 है श्वेत फास्फोरस से फास्फीन, श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस से फास्फीन, श्वेत फास्फोरस से फास्फीन गैस यदि हमें बनानी है तो कैसे बनाएंगे? देखो ये है P4 +2I2 +8H2O, बिल्कुल वही रिएक्शन है, = 2PH4I +2H3PO4 +2HI, ठीक है। हमें बनानी है फास्फीन गैस। अब ये जो फास्फोनियम आयोडाइड बना है ना, इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा, PH4I का रिएक्शन हमें कराना पड़ेगा NaOH के साथ, या आप KOH के साथ भी करा सकते हो। तो हमें मिलेगी PH3 यानी फास्फीन गैस, और साथ में मिलेगा सोडियम आयोडाइड और जल, सोडियम आयोडाइड और जल। इस तरीके से हम बनाएंगे श्वेत फास्फोरस से फास्फीन। अब आते हैं नंबर 18 पर। फास्फोरस से फास्फोरस ट्राई सल्फाइड, फास्फोरस से बनाना है फास्फोरस ट्राई TRI ट्राई सल्फाइड। यदि हमें फास्फोरस से फास्फोरस ट्राई सल्फाइड बनाना है तो ये तो है फास्फोरस, इसका रिएक्शन सल्फर के साथ करा दो आप और गर्म कर दो, ये बन जाएगा 2P2S3 फास्फोरस ट्राई सल्फाइड। तो ऐसे हम बनाएंगे फास्फोरस ट्राई सल्फाइड को,
अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 19 पे हम पढ़ेंगे बेटे, HCl से Cl2 कैसे प्राप्त करोगे? हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन प्राप्त करनी है तो आप क्या करोगे? ये लिया हमने 2KMnO4 और इसके ऊपर रिएक्शन करा दिया हमने HCl का, ये लिखे 16 HCl। तो HCl का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो KCl मिलते हैं, बैलेंस करके ही लिख दो, दो बनते हैं KCl और दो बनते हैं MnCl2, MnCl2 ठीक है, और 8 जल के अणु, और साथ में बनती है क्लोरीन गैस जो हमें बनानी थी, 5 अणु बनते हैं क्लोरीन के। ऐसे आप बना सकते हो HCl से Cl2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्लोरीन, ठीक है बेटे। अब आते हैं नंबर 20 पर, नंबर 20 पर दिया है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन, ये तो अभी हमने बनाया ही था, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कह दो, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन बनानी है, ये हमने अभी बनाई थी। ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन कराया था एसिटिक एसिड के साथ। यदि ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन आप किसी दूसरे एसिड के साथ जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, चलो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो यदि आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे, ध्यान से देखो, CaSO4 एक तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस, यहां देखो H2O एक बनेगा जल का अणु H2O प्लस, साथ में निकलेगी कौन सी गैस? Cl2 गैस। तो इस तरीके से आप बना सकते हो ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन जब भी बनानी है तो आप इसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ कर सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर कह दो या फिर आप कह सकते हो विरंजक चूर्ण। नंबर 21 पे हमें पढ़ना है XeF4, XeF4 से बनाना है XeO3, जीनोन टेट्रा फ्लोराइड से जीनोन ट्राई ऑक्साइड बनाना है, ध्यान से समझेंगे जरा, ये है जीनोन टेट्रा फ्लोराइड, इसका हमने करा है जल अपघटन, यानी कि 12 जल के अणुओं से इसका रिएक्शन कराया है, तो बनेगा आपका XeO3 और XeO3 के साथ बनेगा XeO, और ऑक्सीजन गैस भी बनेगी और साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड के 24 अणु बनेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड के, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो बेटे हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो आज के कैसे प्राप्त करोगे थोड़े से टिपिकल हैं, क्योंकि इनमें समझने का काम कम है और रटने का काम थोड़ा ज्यादा है, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैसे प्राप्त करोगे इतने ही हैं, और कल से जो हम पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ेंगे जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कम से कम एक क्वेश्चन तो इनमें से आएगा, इसलिए मैंने इन्हें अच्छा करा दिया, आपको सारे जो इम्पोर्टेंट थे वो करा दिए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ज्यादातर पूछे गए हैं, पर ऑर्गेनिक के तो हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही आएंगे। यदि हम बात करते हैं कैसे प्राप्त करोगे कि,
कैसे प्राप्त करोगे में ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ही आते हैं, पर एक आधा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से भी आ जाता है। इसलिए मैंने आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ये क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है बेटे, बस आज हम इतनी पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।